कचरा सियाही दिन रंग जाए तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। जल की रानी है
जीवन उसका पानी है, हाथ लगा तो जल जाएगी, बाहर निकाला तो मर जाएगी, पानी में डाला तो तैर जाएगी। नमस्ते, आज मैं एक गाना गाने जा रहा हूँ। तितली रानी पंग पैला कराओ ना, तितली रानी फूल फूल में बैठो ना, तितली रानी इधर उधर उड़ जाओ ना, तितली रानी सबको दिल बहलाओ ना। धन्यवाद। हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। नमस्ते, मैं क्रिश चौथी कक्षा बी से। भारत अपनी विविधता में एकता के लिए प्रसिद्ध है। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, उनमें प्रमुख भाषा हिंदी है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में हिंदी भाषा बोली जाती है। नमस्ते, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं जिया फातिमा और मेरे सहभागी कृष्णायर आपके सामने हमें भारत इतिहास जान करने के बारे में जानकारी प्रस्तुत करना चाहते हैं। 15 नवंबर 2000 को भारत संघ के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य के निर्माण हुआ। झारखंड में कुल 24 जिले हैं और उसकी राजधानी रांची है। झारखंड की शाब्दिक अर्थ वन का क्षेत्र है। इस राज्य की अधिकांश भाग जंगलों से भरा है। झारखंड राज्य के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दलमा वन्य जीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, उद्वा जीव पक्षी विहार, सिंहभूम हाथी रिजर्व। झारखंड भारत के खनिज संपदों से परिपूर्ण है। भारत का सबसे बड़ा इस्पात का कारखाना टाटा स्टील जमशेदपुर में स्थित है। झारखंड के लोकप्रिय पर्यटन स्थल जगन्नाथपुर मंदिर रांची, हुद्रू जलप्रपात रांची, मैथन बांध धनबाद, टैगोर हिल रांची। झारखंड राज्य के कुछ उल्लेखनीय लोगों की सूची। आदिवासियों के महानायक बिरसा मुंडा, केरल जगत के महेंद्र सिंह धोनी और दीपिका कुमारी, फिल्म जगत के प्रियंका चोपड़ा और मीनाक्षी शेषाद्री, पद्मवीर चक्र सम्मानित लेम्स नायक एल्बर्ट इक्का। नमस्ते, मैं शिवानी, चौथी कक्षा बी से। भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाला एक राज्य है छत्तीसगढ़। इस राज्य का निर्माण 1 नवंबर 2000 में हुआ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और इस राज्य में 27 जिले हैं। छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय पक्षी मैना है। चिरमिरी शहर छत्तीसगढ़ की जन्नत माना जाता है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध शहर है भिलाई। छत्तीसगढ़ी और हिंदी छत्तीसगढ़ की प्रमुख भाषा है।
धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम शेहा शर्मा, मैं सबकी कक्षा पढ़ती हूँ। छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय पुष्प का नाम आमचित पुष्प। छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय वृक्ष का नाम जंगली बाईस। छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय वृक्ष का नाम साल वृक्ष। छत्तीसगढ़ अपने सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध है। राज्य में एक बहुत ही अद्वितीय और जीवन संस्कृति है। धन्यवाद। चौथी बी कक्षा की ओर से मैं एक बार फिर हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य शिक्षकों और छात्रों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। एकता की जान है, हिंदी देश की शान है। धन्यवाद। बहने हैं भारत की सारी
बारी बारी जानूं मैं हिंदी पे बारी, हिंदी हमारी सबकी। हिंदी का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है, राष्ट्रभाषा जो हम है, स्वतंत्रता वो हम है। आप सब लोगों को हमारी तरफ हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। दुख जीवन में इसीलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सके। अच्छी किताब और अच्छे लोग तुरंत समय नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो लोगों की मन की नहीं अपने मन की सुनो। राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा। राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी साहित्य कई चरणों में विभाजित किया है। अब हम जानेंगे भक्तिकाल कवियों के बारे में। कबीरदास ज्ञानत्रयी शाखा के निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। कबीरदास का जन्म काशी के मगर में हुआ है। इनके प्रमुख रचना है बीज। इसे तीन भागों में विभाजित किया है, साधु संबद्ध प्रमेय। पूजो साधु की, पूज लीजिए ज्ञान। साथी न पूजो साधु की, पूज लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पढ़ रहन दो म्यार को बंदो, पढ़ रहन को म्यान। सूरदास, सूरदास के बारे में कहा है तो वे हिंदी में भक्ति काल के महान कवि थे। कृष्ण के आनन्य उपासक देवी थे। सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सिही नामक स्थान है। सुरसागर, सुरसारावाली, साहित्य लहरी आदि प्रमुख रचनाएं है। तुलसीदास गोस्वामी, तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। तुलसी सा तीरिब तिके, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य वृद, राम परोसे एक। साहस सुकृति सुसत्य वृद, राम परोसे एक। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में मिलती है।